इधर नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने निशाना साधा। अनिल बलूनी ने कहा कि राहुल गांधी का आचरण नेता विपक्ष जैसा नहीं था। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि राहुल गांधी ने बजट को ठीक से न पढ़ा और न ही सुना। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान संसद भवन के अंदर कैसा आचरण रहना चाहिए, किस प्रकार से बात करनी चाहिए, उस सब को लेकर माफी मांगी है। और अपने भाषण के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष की जो गरिमा है उसके अनुकूल नहीं है, जो संसदीय परंपराएं हैं उसके भी अनुकूल नहीं है। और उनके भाषण के दौरान उन्होंने कई बार स्पीकर साहब पे भी सवाल उठाए हैं, वह भी जो संसद भवन की जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो मर्यादाएं हैं उसके अनुकूल भी नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के दौरान बजट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बजट का बारे में अध्ययन भी नहीं किया है। और पूरे भाषण में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक नेता प्रतिपक्ष कहीं भी बजट भाषण पे कुछ बोल रहे हैं।